नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों व्यक्ति मेहनत किस लिए करता है ताकि उसे दो वक्त का भोजन उसे और उसके परिवार को आराम से प्राप्त हो सके दोस्तों भोजन इस अथार्थ की पेट के लिए व्यक्ति आज के समय इतनी ज़्यादा मेहनत आदि करता है कि किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार के नकारात्मकताएं या फिर गलती न हो तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर के अंदर जिस प्रकार रसोई सही होगी तो उसका भोजन सही होगा और जो भोजन आप करेंगे वह आपके तन को लगेगा तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी कुंडली के दोष या फिर किसी प्रकार के दोष या आपके पास नकारात्मकता भी नहीं रहती है तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर का रसोई घर के अंदर यह गलतियां तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी गरीबी का कारण बनती है और ऐसे रसोई घरों के अंदर धीरे धीरे बर्बादी आ जाती है इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी लिखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों इस बात का ध्यान रखें सब से पहले बिना नहाए आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मानपूर्णा देवी नाराज हो जाती है और नहाकर भी आप प्रवेश करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए रसोई घर के अंदर कभी भी खुले हुए बाल लेकर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए हमेशा बालों को बांधने के बाद ही आपको आपके घर के रसोई घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो दोस्तों इसी तरह भोजन पकाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कुछ न कुछ इसके निमित्त गोमाता दान दक्षिणा के निमित्त अपने घर की रसोई घर से अंदर से कुछ जरूर भोजन निकालें जिससे क्या होगा पहला भोजन जो दान के समय जाता है वह आपको लाख गुना फायदा प्रदान करवाता है और आपके जीवन के अंदर अच्छी बरकत लेकर आता है दोस्तों आज के समय रसोइयों के अंदर नल आदि जरूर होते हैं तो दोस्तों किचन के अंदर से नल भी टपकते रहते हैं दोस्तों अगर आपके घर की रसोई घर के किचन का नल बार बार टपकता रहता हो बूंद बूंद पानी रिश्ता रहता हो तो तुरंत उसे ठीक करवाएं और आप इसे टपकते हुए नहीं छोड़े क्योंकि माना जाता है कि अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर से नल टपकता है तो दोस्तों धीरे धीरे अपने आप ही आपके घर के अंदर कलह आती है धन समाप्त हो जाता है धन उसी प्रकार बहकर चला जाता है और आपको उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है दोस्तों जब संध्या हो जाता है संध्या काल होने के बाद इस बात का भी ध्यान रखें कोई भी मांगने के लिए आ जाए उसको दूध दही और प्याज देने से बचना चाहिए यहां तक कि शक्कर भी देने से बचना चाहिए दोस्तों सफेद चीजें सात्विकता की प्रतीक होती है आपके घर परिवार को आगे बढ़ाने की प्रतीक होती है अगर आप अपने घर की रसोई की यह चीजें किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाती है और देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को नहीं मिलता मिलता है इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि उनके पैर बहुत नाजुक हो जाते हैं आज के समय शहरों में पहले तो गांवों में हर प्रकार के मजबूत पैर होते थे लेकिन आज के समय थोड़ी सी मिट्टी से भी लोगों के पैर खराब होने लगते हैं तो वो घर के अंदर भी चप्पल आदि पहनते हैं और रसोई घर के अंदर जूते चप्पल पहनकर ही रोटियां बना लेते हैं दोस्तों यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है इससे मानपुर्णा

आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर से दृढ़ता आ जाती है और साथ ही साथ लक्ष्मी और अनुमान पूर्णा देवी आपके घर का क्योंकि उनका मंदिर जो रसोई घर रहता है उसके अंदर इस प्रकार का करते होता है तो वहां पर समझ आइए निवास करेंगे दोस्तों इसी तरह घर की रसोई घर के अंदर कुछ चीजें भूल भी समाप्त नहीं होनी चाहिए जैसे कि घर की रसोई घर के अंदर से भूल भी नमक समाप्त नहीं होना चाहिए माना जाता है कि अगर आपके घर की रसोई घर से नमक समाप्त हो गया तो आपके घर की सपनता आपके घर की खुशहाली समाप्त हो जाती है क्योंकि नमक घर की रसोई घर के अंदर ऐश्वर्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों दूसरी चीज है घर की रसोई घर के अंदर भूल कर भी आटा समाप्त नहीं होना चाहिए क्योंकि आटे को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है आटे को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है अगर आपके घर की रसोई से आटा ही समाप्त हो गया तो दोस्तों आप अपने घर की कंगाली के सबसे अंतिम छोर पर पहुंच जाता है क्योंकि जिस घर की रसोई घर का घर हमेशा अनाज से भरा रहता है वहां पर दोस्तों नकारात्मकता रूपी बीमारी लक्ष्मी वहां पर निवास ही नहीं करती इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों अगली चीज होती है हल्दी हल्दी को घर की रसोई की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है हल्दी जहां पर होती है वह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का वास होता है या आपके घर के अंदर शुद्ध और सात्विकता की प्रतीक भी मानी जाती है इसीलिए कभी भी घर की रसोई घर के अंदर से हल्दी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए अगर यह चीज़ें आपके घर की रसोई घर के अंदर समाप्त हो गई तो समझ जाइए कि आपके जीवन के अंदर उसी समय से बर्बादी आना शुरू हो जाती है दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने घर की रसोई जो कि माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है अगर आप सत्य हिंदू है और हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो दोस्तों एकादशी अमावस्या पूर्णिमा ऐसे दिनों के त्यौहार और विशेष त्यौहार वैसे तो आपको तीन दिनों के अंदर कभी भी नहीं उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं रहता तो आपको कम से कम भगवान के त्यौहार और भगवान की तिथियों के दौरान आपको अपनी घर की रसोई घर के अंदर मांस नहीं पकाना चाहिए अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर मांस पकाते हैं तो दोस्तों आपसे बड़ा पाप कोई नहीं करता ऐसा करने से भी भगवान आपके साथ नहीं होते साथ साथ ही नकारात्मकता भी रसोई इस घर के अंदर मांस नहीं पकाना चाहिए दोस्तों इसी तरह तवा या कढ़ाई इसे उल्टा रखने भी सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है लाल किताब के अंदर तो इसे शव की खुद की खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर तवा या कढ़ाई को उल्टा रखते हैं तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर नकारात्मकता आने वाली है भगवान की कृपा अब आपके ऊपर नहीं रहेगी और साथ ही साथ घर के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु या असाध्य बीमारी के संकेत भी आपको प्राप्त हो सकते हैं इसीलिए कभी भी घर की रसोई घर के अंदर तवा या कढ़ाई को आपको उल्टा नहीं रखना चाहिए इसी तरह जब भी आप रात को सोए घर की रसोई को एकदम साफ करें कपड़े के माध्यम से साफ करें और रसोई घर के अंदर भूल कर भी आपको जूठे बर्तन भी नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता आ जाती है और देखते ही देखते आपका घर परिवार बर्बादी की तरफ चला जाता है इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कभी भी घर की रसोई घर के अंदर आपको जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए इसी तरह रात को सोते समय अपने घर की रसोई घर के अंदर पानी का एक लोटा जरूर भर के रखें और अगले दिन सुबह उसे उठकर किसी नाली आदि के अंदर बहा दें ताकि रसोई घर की जो भी नकारात्मकता होती है उसके माध्यम से बाहर चली जाती है उसके बाद आप जो भी भोजन करते हैं या जो भी भोजन बनाते हैं उसके अंदर सात्विकता निवास करती है तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी धन्यवाद मित्रों जय श्री राम मित्र